तो जीटीए 5 के पहले धारावाहिक में आपने देखा कि एक ट्रेवर नाम के बंदे ने जीटीए 5 के बाइकर्स गैंग को निस्तनाबूत कर दिया है पूरा का पूरा, साथ ही साथ वहाँ पे कब्जा भी कर लिया है। आज का धारावाहिक वहीं से प्रारंभ होने वाला है जहाँ से हमने छोड़ा था, ट्रेवर के ऊपर, और ट्रेवर से स्टार्ट हो चुका है आज का ये धारावाहिक। पिछली बार हमने देखा था कि किसी महिला मित्र के साथ था और आज ये अकेला है, तो थोड़ा सा फीलिंग सेट फॉर 69 अदर्स के साथ एक मौन व्रत रखते हैं ट्रैवल के लिए, क्योंकि इसका ब्रेकअप हो चुका है मुझे लगता है। अच्छा, क्योंकि इसने उसके पति को मार दिया था। तो ट्रैवल नाम के बंदे को किसी एक आदमी का फ़ोन है जो चश्मा लगाता है, शायद हमें बाहर निकलना पड़ेगा और जीते की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। और महंगा उसका घर देख के हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है। भाई देखो, जितने भी कैरेक्टर थे सबसे ज़्यादा गरीब ही लग रहा है बंदा। हमको जाना है सी लोकेशन पे, और ये सी लोकेशन वो लोकेशन नहीं है जहाँ पे आपका कटा था, जो आपको बना चुका है वो लोकेशन नहीं है। ये सी माने चैम्पियन भी हो सकता है, तो कोई भी बंदा पर्सनल नहीं जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर नहीं करेगा, सीधे गेम में फोकस करेगा। तो हम कोई बंदूक नहीं लेते हैं, सीधे हम बैठते हैं अपने ट्रक पे और जाते हैं सी लोकेशन पे। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सी लोकेशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये सी लोकेशन वो है जो आप नहीं समझ रहे हो। आपने क्या समझा क्या नहीं समझा ये सब आपके मनो पावर के ऊपर है, मानसिक पावर के ऊपर है, तो आप थोड़ा सा मेच्योरिटी से देखिए। तो हम अपनी लोकेशन पर जाते हैं, अभी नहीं पहुँचे, बस जाइए। 2000 years later. थोड़ा सा और जाना है, बस पहुंच ही गए, नहीं अभी नहीं पहुंचे, बस हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और जाना है और हम आ चुके हैं अपनी सील लोकेशन के पास। ज़्यादा दूर नहीं थी वैसे ये, और ये क्या हुआ? हमारा करेक्टर जैसे गाड़ी से उतरा वैसे सब भाग के, लगता है इसका रॉब तो है यहाँ पे। और यहाँ पे दो मानव आपस में गुत्थम गुत्थाई कर रहे हैं और ये बहुत गंदा मार रहे हैं एक दूसरे को, और ये कुछ करने वाला है क्या? ओके, ये अपने पुराने अंदाज में आ चुका है, आते ही एक इंसान का सर फोड़ दिया। इससे पता चलता है ये आदमी बहुत ज़्यादा हिंसक प्रेमी है। तो ये कुछ बात भी कर रहा है इस महिला मित्र से, जो इसकी पहले भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, बट है तो महिला और मित्र, तो महिला मित्र है इसे। ये कुछ बात करने वाले हैं, लगता है इसकी कोई मीटिंग होने वाली है। मीटिंग मतलब फुल ऑफ लफड़ा, यहाँ पे चलने वाली है बंदूक है। और ये कोई चाइनीज मोमो जैसा बंदा आया है, वो केस की मांग तो इतनी तगड़ी है जितनी मांग उसके पास है नहीं। ओके, ये उसका नौकर है जो भी पियक के आया है। अच्छा, ये नौकर है और असली मालिक आ चुका है, और ये कुत्ते की तरह नाच रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन से गाने पे कौन सा ठुमका लगा रहा है, मुझे लगता है इसने ढिंचक पूजा के गाने सुने हैं और इसका मानसिक संतुलन ख़राब हो चुका है, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा मौन व्रत रखते हैं। बहुत हो चुका है, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट करेक्टर नहीं है, तो हमसे जाने देते हैं। ओके, हमें इनको लेके जाना पड़ेगा, एक नई लोकेशन मिलेगी और वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, शायद इसके सर पे बाल आ जाए या फिर ये औरों को गंजा कर दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा सनकी है और इसके चेहरे पे लिखा है मैं हूँ सनकी बंदा। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इसी को ही मारेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बंदा है जो ढिंचक पूजा के गाने में मस्त है। तो हम बैठ चुके हैं अपनी फटफटिया में, फटफटिया नहीं, तो हम बैठ चुके अपने वाहन में और जाते हैं। जाने से पहले हम अपने मित्र को फ़ोन करेंगे और कुछ बातें हाथें करेंगे, कुछ प्रबंध वबंध करेंगे वहाँ पे जाके, या फिर वो पहले कर चुका होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने ये गेम नहीं खेला है। ओके, थोड़ा सा और दूर जाना है, बस हम पहुंच रहे वाले हैं अपनी लोकेशन पे। ये शायद कोई दुकान है जहाँ पे सामान मिलता है, वैसे हर दुकान में ही सामान मिलता है, इसमें नई बात क्या है। ओके, ये भी गंजा है इसकी तरह, मगर ये अपने मुताबिक गंजा है क्योंकि इसने बाल काटे हैं। ओके, ये क्या असली हरकतें नहीं चलती हैं यहाँ पे? यहाँ पे आदमियों के बीच में नहीं होता है, तो कृपया करके अपनी भावनाओं में कंट्रोल बनाए रखें।
और मुझे क्यों लग रहा है ये इसको सजा देने वाला है और ये कूड़ेदान में इसको क्यों फेंका हमें नहीं पता। और ये कितना खुश हो गया, लगता है इसे भी फेंकेगा ये कूड़ेदान में, खुद ही जा चुका है लगता है, कुछ ज़्यादा ही हरी पत्तियों का नशा कर लिया है इस बंदे ने। ओके, ये कुछ करने वाले हैं, ये कुछ बंदूकों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बंदूकें भी ली नहीं से दी गई है और ये जा रहे हैं युद्ध करने। आ चुका है हमारा कंपीटिटर और हमने गोलियों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ हमने एक कार में आग भी लगा दी है। भाई देखो, जहाँ पे ये कैरेक्टर होगा वहाँ पे हिंसा नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? हिंसा तो होनी ही है क्योंकि ये हिंसावादी इंसान है। ओके भाई साहब, तुम देख सकते हो यहाँ पे आग ही आग है और यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से हो रही है फाइट। क्या हमें इतने ही लोगों को मारना पड़ेगा या फिर ये इतने में ही खुश हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये इतने में ही खुश होगा। ये है खून का प्यासा बंदा, इसने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खून खराबा करा था और ये यहाँ पे भी करेगा। और अपनी लोकेशन चेंज करते हुए ये अपने दोस्त के पीछे पीछे जा रहा है और आगे आ चुका है। फिर से यहाँ पे होने वाली है लड़ाइयाँ और एक आदमी को उसने फिर से मार दिया है और यहाँ पे ये कोशिश करने वाला है, हम कोशिश करने वाले हैं कि इस गाड़ी में भी लग जाए आग और आ जाए मज़ा। ये मारा एक बंदा और गया, वहाँ से भी कोई आ रहा है क्या? ओके, छुप छुप के हमको मार रहा है, हम भी मारेंगे। ये मार दिया, इसके सर पे हेड शॉट मारा, सामने से कोई आने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ओ भाई देखो आ गया और हम सर में मारेंगे, टन टना टन। ये पूरा जमीन में सो चुका है। और क्या लोकेशन चेंज करनी है क्या? हाँ, हमको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि और बंदे भी आ रहे हैं। हम जाते हैं अपने दोस्त के पीछे। हम गए और गए और गए, हम आ चुके हैं छत पे और हमने फिर से गोलियों की बौछार करना स्टार्ट कर चुका है। हमने गोलियां ऐसे बरसाई जैसे आसमान से पानी बरसता है और यहाँ पे लोग मरते जा रहे हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये कुछ लेके आया है ग्रेनेड लॉन्चर जिससे हम बम फोड़ेंगे। एक गाड़ी फूट चुकी है, एक वो भी फोड़ेंगे, एक ये भी फोड़ेंगे, एक ये भी फोड़ेंगे, हम फोड़ फोड़ के सबको फोड़ देंगे। हमने ऐसे आग लगा दी जैसे हमारा कुछ नहीं जाता, बेसिकली हमारा जाता तो कुछ नहीं है, हमें आ रहा है बहुत ज़्यादा आनंद। हमें हो रही है आनंद की अनुभूति क्योंकि हम ही तो मार रहे हैं इन बंदों को और ये कहाँ कहाँ भाग रहा है, ये भी मरा। और कोई बंदा हमारे पीछे से आने वाला है, आने दो हम इसे मार देंगे। ये आया आया आया, ये गया, अब क्या करना है? एक बंदा और दिख रहा है हमको, कहाँ है वो? ओके, वो वहाँ छुपा है, अभी बाहर निकलने दो, हम कुत्ता बनाएंगे। ये मारा और ये घुटनों के बल बैठ चुका है। और हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है अब नीचे अपने मित्र के पीछे पीछे। हम गए, हम थोड़ा सा और गए, हम बस पहुँच ही गए। ओके, यहाँ पे भी बंदे आने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे आगे इनकी कुछ नहीं चल पाएगी क्योंकि हम हैं खून के प्यासे बंदे। ब्रोकोट जिंदाबाद। ठीक है ठीक है ठीक है, ये दो ही बंदे बचे हैं और ये हमने इसको मार दिया, बेचारा सो रहा था डर के मारे। एक बंदा और आएगा और ये मर चुका है। और हमें क्यों लग रहा है ये जो दो बंदे हैं ये कन्वर्ट होने वाले हैं हमारे साथ? हम जाते हैं और ये भाग गए और हमारी यहाँ पे हुई है भाई साहब विजय, विजय के शंख बजाए जाएं। अब क्या करना है? ओके, हमने वो कूड़ेदान में नहीं फेंके थे अपने मित्र को, हमने फेंके थे आइस बॉक्स पे और ये निकल चुके हैं। अब इनकी आइसक्रीम बन गई है और उसका भी नशा उतर चुका है, हरी पत्तियों का नशा उतर चुका है और इसके रोम रोम जम चुका है और इसके मुंह से भी आवाज़ निकल रही है। ये शायद कुछ करने वाले हैं और यहाँ पे ये भाग चुके हैं लिफ्ट लेके। हमारा मित्र भी हमसे कुछ कह रहा है जिसको हमने बहुत प्यारे वचनों से गालियाँ दे दी हैं। और ये यहाँ पे हो चुका है हमारा मिशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और GTA 5 की वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं, बाय।